त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए 14 अप्रैल को सभी मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गईं, जिसके मद्देनजर जिलाधिकारी के विजयन पांडियन और एसएसपी दिनेश कुमार ने विकास खंड कैंपियरगंज एवं भठर क्षेत्र के संवेदनशील और अति संवेदन बूथों का निरीक्षण किया और सभी पोलिंग पार्टियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि 15 अप्रैल को जिले के कुल 4,657 बूथों पर 29,78,569 मतदाता ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे, जिसका परिणाम 2 मई की मतगणना के बाद किया जाएगा। हेलो हेलो खासकर लास्ट 4 घंटे जी। हेलो 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 पार्टी तो उसी परिवार का अरे भाई ये तो वैसे ही बूथ का अच्छा लाइक बूथ है, ये तो पहुंच ही नहीं पाएंगे काम के बाद यहाँ के हाइपर सेंसिटिव में रखे ना कितने लापरवाही कहीं नहीं हो रही वहाँ फोर्स है ना फोर्स है सर यही बगल में संवेदनशील बाकी संवेदनशील दोनों।